हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। आचार्य देवव्रत ये पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, तो जब इनको नियुक्त किया गया था तब भी मैंने आपको बताया था, तो अब इन्होंने शपथ ले ली है, तो आचार्य देवव्रत ये गुजरात के नए राज्यपाल बन गए हैं। ये हैं आचार्य देवव्रत, तो अब ये गुजरात के नए राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष पूरा हो चुका होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल बनना है तो व्यक्ति को उस राज्य का नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता है। और अभी 10 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं, कल मैंने आपको बताया था, तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप देखिए आपको कितने याद हैं। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है आनंदीबेन पटेल को। आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल कौन बना है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के बने हैं कलराज मिश्र। और छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन है? रमेश बेस। और नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? R.N. रवि को। और गुजरात के नए राज्यपाल तो यही है आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर बात हुई गुजरात की, तो मैं थोड़ा सा आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गुजरात के नए राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात के प्रमुख बांध हैं शारदा सरोवर बांध, और शारदा सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध, और दांतीवाड़ा बांध ये बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये अहमदाबाद में स्थित है। और गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। और गिर राष्ट्रीय पार्क ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात के प्रमुख स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सा खिलाड़ी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, विराट कोहली। अभी हाल ही में जारी ICC टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। और केन विलियमसन ICC विश्व कप 2019 में इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। तो इसमें न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे स्थान पर हैं, और इसमें तीसरे स्थान पर हैं भारत के चेतेश्वर पुजारा। तो पहले स्थान पर हैं विराट कोहली, दूसरे स्थान पर हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, और तीसरे स्थान पर हैं चेतेश्वर पुजारा। और ICC टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ICC टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है भारत की टीम, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड की टीम, तीसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका की टीम, चौथे स्थान पर है इंग्लैंड और पांचवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर बात हुई ICC की,
तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ है मनु सानी। और अभी हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2019 जो कि इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था, कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता था फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर। लेकिन आईसीसी विश्व कप 2023 कहाँ पर होंगे? आईसीसी विश्व कप 2023 होंगे भारत में। अगला प्रश्न, बंगाल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है अभय सिंह ने। अभय सिंह ये तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु के अभय सिंह ने बंगाल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब जीता। और इसमें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब जीता है तन्वी खन्ना ने। और तन्वी खन्ना ये नई दिल्ली की हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 2022 तक। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और इस परियोजना में घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित किया जाएगा यानी कि लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की सीमा को 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 31 अगस्त 2019 तक। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की सीमा को 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 तक कर दिया है। और भारत में पहली बार आयकर कब पेश किया गया था? तो भारत में पहली बार आयकर 24 जुलाई 1860 को पेश किया गया था। 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। और इसीलिए अभी हाल ही में 24 जुलाई को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 159वां आयकर दिवस मनाया है। और वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण को बढ़ाकर वर्तमान 14% से 27% करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 14% ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है, तो इसने 27% ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है और अब ये विधेयक राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, राई, बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, बांधोगढ़ राष्ट्रीय पार्क, माधो राष्ट्रीय पार्क और पेंच राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान है मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है और खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। और दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले हैं 52 जिले, लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न, भारतीय टेबल टेनिस टीम का मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टेबल टेनिस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है डेजन पापिक को। डेजन पापिक ये कनाडा के हैं। तो कनाडा के डेजन पापिक को भारतीय टेबल टेनिस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी वेनेजुएला में। अभी हाल में वेनेजुएला की राजधानी काराकस में गुट निरपेक्ष आंदोलन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इस बैठक में भारत की ओर से भाग लिया। और यहाँ पर बात हुई है वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है, और वेनेजुएला की करेंसी है पेट्रो, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है, और एंजल फॉल्स की ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर एंजल फॉल्स की ऊंचाई है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो एंजल फॉल्स ये चुरून नदी पर बना हुआ है, चुरून नदी पर। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था इसराइल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर था संजीव कुमार सिंगला को। और दूसरा प्रश्न था हाल ही में किसने IMF के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर था क्रिस्टीन लेगार्ड ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल कौन होंगी, और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।